हेलो गाइस, मैं आकाश चार। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ नई वाली बलेनो का टॉप मॉडल अल्फा वेरिएंट। आइए हम इसकी बात करते हैं, क्या क्या मिलता है आपको इसमें। भाई अभी जल चुके हैं, लाइट मारियो भाई, इसकी आप लाइट चेक कर लो। और भाई नीचे आपको यहाँ पे इसमें फॉग लैंप मिल जाएंगे, ये भाई आपको LED दी गए हैं। यहाँ पे आपको भाई क्रोम फिनिश मिल जाएगी भाई, यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में यहाँ पे क्रोम मिल जाएगा। इधर आपको भाई मारुति का लोगो, भाई इसकी ग्रिल बहुत अच्छी लग रही है पहली बार से। और भाई ये है 360 कैमरा, फर्स्ट इन सेगमेंट है भाई, अब तक किसी भी गाड़ी में नहीं आए हैं भाई। मारुति को ना इस बार कुछ अलग करना था, क्योंकि भाई मारुति अगर मार्केट में टिकना है तो कुछ अलग लाना पड़ेगा ही गाड़ी में। तो भाई जैसे आप साइड में जाओगे, यहाँ पर आपको ORVM पे इंडिकेटर मिल जाएंगे, यहीं पर आपको कैमरा भी मिल जाएगा और एलॉय आपको भाई। टायर साइज भाई आपको सेम है पुराने वाले ही भाई, एलॉय का लुक आपको थोड़ा डिफरेंस मिल जाता है पहले से। बट भाई मैं पर्सनली बताऊँ, पहले वाला ज़्यादा अच्छा था इससे, मेरे हिसाब से पहला ज़्यादा अच्छा लगता था। अब टायर साइज है इसका भाई 195/55R16, सेम है पहले वाले ही भाई। आपको एंटीना भी पहले से सेम मिलता है, कुछ फ़र्क नहीं मिलता है। पीछे भाई आपको वाइपर मिल जाता है, डिफॉगर मिल जाते हैं, यहाँ पे पूरी क्रोम फिनिश मिल जाएगी आपको। बलेनो की बैजिंग नए स्टाइल में, पहले ऐसा नहीं है, नया है। यहाँ भाई इसके नए वाले टेल लैम्प, भाई टेल लैम्प भी भाई पहले वाले ज़्यादा अच्छे थे मेरे हिसाब से, इससे ये वाले इतने अच्छे नहीं लग रहे। WRVS थोड़े थोड़े, पुराने वाले ज़्यादा अच्छे थे। यहाँ पे आपको इसका कैमरा मिल जाएगा, इसका बूट खोलते हैं भाई। इसका 318 लीटर का बूट स्पेस, में आपको यहाँ पे स्पेयर व्हील मिल जाता है आपको। यहाँ पे कोई भी एक लाइट दी गई है आपको इसमें, एक यहाँ पे आपको होल्डर भी दिया गया हुआ है भाई। पार्श्व ट्रे आपको दी जाती है, यहाँ से भाई आप फ्यूल फिल करा सकते हैं। ये अंदर से ओपन होगा, बाहर से ओपन नहीं होता है। यहाँ पे आपको क्रोम फिनिश मिल जाएगी पूरे में, पूरी लाइन क्रोम से जा रही है आगे तक। भाई गाड़ी देखने आराम से पूछते हो, कैसी लगी आपको है? भाई बहुत अच्छी गाड़ी लगी, पहले के बजाय इतना अच्छा हुआ कि ये डिस्प्ले दे दिया, ये दुनिया भर का ये दे दिया। पहले ये क्रोम नहीं था, पहले ये 360 कैमरा वगैरह, 360 कैमरा हो गया, ऊपर से ये सामने का प्रोजेक्टर LED हो गया, हेड अप डिस्प्ले, हाँ ये फंक्शन नहीं थे दोनों तरफ इसमें। भाई कैसी लगी आपको ये भाई, पहले के हिसाब से? एक नंबर भाई ले रहे हो भाई? हाँ मैं ये बुक कर रहा हूँ। अच्छा बुक करना है? बिल्कुल बुक कर रहा हूँ। टॉप मॉडल? हाँ मैं इंडियन आर्मी पर्सन हूँ, पहले मेरे पास में जेटा थी। अच्छा, अभी मैंने उसको सेल कर दिया, करीब 2 महीने हो गए कुछ प्रॉब्लम की वजह से। बलेनो। अच्छा फिर से बलेनो। आज की डेट में बता रहा हूँ कि अगर ओवरऑल देखा जाए बजट के हिसाब से तो बलेनो बेस्ट हो। भाई टॉप वेरिएंट ले रहे हो? टॉप। नीचे वाले ने देखा इससे? फंक्शन अच्छे है ना इसमें, हाँ, 360 बाकी भी गाड़ी अच्छी है, सभी अच्छी है, लेकिन जैसे जिस हिसाब से आपको LED चाहिए है, ये चाहिए है, हेड अप डिस्प्ले सब मिल जाएगा ऑटोमेटिक, अदर फंक्शंस भी इधर है, बहुत कुछ है इसमें। ये भी फंक्शन बढ़ रहा है। फिर उसके बाद में तो भाई आज बुक कर लोगे? 360 कैमरा आज बुक कर रहे हो भाई? हाँ बुक कर लो। ठीक है भाई, कीलेस एंट्री मिल जाती है यहाँ पे आपको। कीलेस एंट्री आपको यहाँ बटन दबा के आपको एंटर करना पड़ेगा अंदर। जैसे आप अंदर एंटर करते हो भाई, आपको यहाँ पे पूरी पियानो फिनिश मिल जाती है। यहाँ पे आपको एक मिनट, आपको अंदर बैठ के दिखाता हूँ पूरा। तो भाई यहाँ पे आपको विंडो कंट्रोल मिल जाते हैं, डोर लॉक एंड अनलॉक के मिल जाते हैं, या और भी हम फोल्ड एडजस्टेबल के मिल जाते हैं। और भाई ये इसका फ्रंट कंसोल का लुक एकदम, देखो मैं गाड़ी स्टार्ट कर लेता हूँ एक बारी। भाई देखो आप मिरर अनफोल्ड हो जाएंगे स्टार्ट करते ही गाड़ी। और ये आपकी हेड अप डिस्प्ले, इसको भाई आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, ये HUD लिखा हुआ है। लो भाई जैसे ही आप इस HUD को दबा के रखोगे आपकी हेड अप डिस्प्ले बाहर आ जाएगी, मैं आपको दिखाता हूँ पूरी। आप बताना आपको कैसी लगी। तो भाई ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, आपको इसमें राइट साइड स्पीडोमीटर मिल जाता है, लेफ्ट साइड आपको RPM मीटर मिल जाता है, बीच में आपको MID मिल जाएगी, इस साइड आपको स्टीरियो कंट्रोल मिल जाएंगे, लेफ्ट साइड आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाएंगे, यहाँ से अपना फ़ोन कट वगैरह कर सकते हैं, लेफ्ट साइड आपको वाइपर कंट्रोल मिल जाएंगे, राइट साइड आपको हेडलाइट के कंट्रोल मिल जाएंगे, इसमें ऑटो हेडलाइट भी आती हैं। एंड ये इसकी टच स्क्रीन, इसमें आपको 360 कैमरा मिल जाएगा, उसके अलावा आपको यहाँ से व्यू दबाना पड़ेगा। जैसे आप व्यू को दबाएंगे आपको 360 कैमरा ऑन हो जाएगा, यहाँ से आप इसका इंटीरियर से भी देख सकते हैं। यहाँ भाई इसका ऑटोमेटिक AC मिल जाता है। नीचे भाई आपको एक USB पोर्ट मिल जाता है, एक 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाएगा, यहाँ आपको 2 कप होल्डर मिल जाएंगे। ये इसका 5-स्पीड मैनुअल गेयर बॉक्स, इधर आपको हैंड ब्रेक मिल जाती है, ये इसका आर्म रेस्ट,
ये इसका आपको ग्लव बॉक्स मिल जाता है जो भाई अच्छी स्पेस का है। भाई ये इसका सन वाइजर है, इसमें आपको मिरर और लाइट भी मिलती है, जैसे आप इसको ऑन करोगे इसकी लाइट जल जाती है। ये भाई ड्राइवर साइड सन वाइजर, इसमें भी आपको मिरर दिया गया है और लाइट भी दे रखी है हेलोजन। और भाई दो लाइट दे रखी है, दोनों हेलोजन है। ये भाई इसका ऑटो IRVM दे रखा है इसमें। और भाई इसका फ्रंट डैशबोर्ड का लुक देखिए आप, बहुत अच्छा है भाई। पहले के हिसाब से देखोगे ना तो बहुत ज़्यादा काम किया है मारुति ने इस बारी। और भाई इसका स्टीयरिंग कितना प्यारा है, यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिश भी मिल जाती है, डार्क ग्रे सिल्वर टाइप है भाई ये। और भाई यहाँ पे आपको पूरे ब्लू फिनिश मिल जाएगी, यहाँ पे आपको लेदर मिल जाएगा, इधर भी आपको लेदर दी गई है। आपको इसका फ्यूल लीड का यहाँ पे मिल जाता है, जैसे हर गाड़ी में यहाँ जाता है, इसका यहाँ पे दे रखा है आपको। भाई पीछे चल के बात करते हैं। भाई जैसे आप इसे पीछे एंटर करोगे, भाई अभी सीट मेरे हिसाब से एडजस्ट हो रखी है, तो मैं आपको बता दूँ इसमें कम्फर्ट कैसा आएगा। भाई ब्लैक स्पेस आपको बहुत मिल जाएगा इसमें, और सीट भी बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है। पीछे भाई आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको हेलोजन लाइट दी गई है। पीछे भाई आपको रियर एसी विंड दे रखे हैं, पीछे भाई आपको दो USB पोर्ट दे रखे हैं, यहाँ पे एसी विंड दे रखे हैं पीछे। और भाई ये ऐसा कुछ ऐसा लुक मिल जाएगा आपको। पीछे भी यहाँ पे पियानो फिनिश दे रखी है, यहाँ पे आपको क्रोम मिल जाएगा। भाई इसका फ्रंट डैशबोर्ड का लुक है, आपको इसका बोनट खोल दिखा देता हूँ। सबसे बोनट खुलेगा, भाई इसका ये बहुत हैवी कर दिया है पहले से, पहले बिल्कुल हल्का आता था। भाई ये इसका 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन, यहाँ पे आपको इसमें इंसुलेशन भी दे रखी है। आप भाई फिनिशिंग तो ठीक ठीक है, इतनी अच्छी भी नहीं है। ओके ओके फिनिशिंग, और पहले से भाई मारुति ने काम करा है इस गाड़ी में बहुत ज़्यादा। तो भाई से पूछते हैं भाई कैसी लगी। भाई मेरे को तो बढ़िया लग रही है पहले के हिसाब से, मतलब इस बजट में अब अगर मैं कंपेयर करूँ i20 के बराबर ऑलमोस्ट ये पहुँच चुकी है, क्योंकि बोनेट आपने अभी खुद रख के देखा है बहुत हैवी हो गया पहले से। मतलब ओवरऑल जो इसका वेट है वो 70 किलो बड़ा है, तो 70 किलो में से ये लगा लो 5-10 किलो फीचर के हटाओगे तो 50 किलो हो गया, 50 किलो में से पर पैनल भी अगर 5 किलो बढ़ रहा है तो बहुत बड़ी बात है। तो भाई जाते हैं आपके बुलानो, इसके मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सब इसकी मैं सब लिख दूंगा आपको, जो देखना हो देख लेना। भाई वीडियो देखना आप, धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब कर देना।